मिली हूँ और मेरे आंख में आंसू और उनकी चेहरे की मुस्कान। वो गवाह कह रहे थे कि तुम रोओ मत, क्योंकि ये आंसू को ताकत बनाना है और आप ही लोग हमारी ताकत है, हमारी हौसला है। तो अगर आप लोग टूट जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो अपने समझाना चाह रहे थे कि आप टूटो मत, हम सभी एक हैं और हम सभी फिर लड़ेंगे और आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे। तो ये पल बहुत इमोशनल कर देने वाली थी। फिलहाल मेरा शेर दहाड़ रहा है। चलते कि ऐसा कोई गुनाह नहीं किए थे जिनको मदुरई जेल में बंद कर दिया गया था। किस गुनाह में बंद कर दिया? लेकिन जिस देखिए गुनाह कुछ भी नहीं था ही ना, कहीं ये सरकार की निकम्मीपन थी जिनको उजागर करने का काम सच तक न्यूज के मनीष कश्यप शेर कर रहे थे। इसीलिए वो अपनी काले कारनामों को छुपाने के लिए उनको मदुरई जेल में बंद कर दिया। उनको शर्म आना चाहिए कि बिहार का बेटा मदुरई जेल में बंद है। क्या तुम्हारे यहाँ कोई जेल नहीं जो अपने बेटा को रख सके? सिर्फ सोची समझी साजिश थी, एनएसए लगाने का बहाना था, इसीलिए वहाँ पे उसको रखा गया था। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप अभी बिहार आए हुए हैं, बेतिया कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल, बेतिया कोर्ट तो न्याय कर दिए। उन्होंने कहा कि 14 दिन तक फिलहाल मनीष कश्यप को बिहार में ही रखा जाए। लेकिन अभी बताइए कि जब कुर्की जब्ती की वारंट बेतिया कोर्ट से निकलती है, अरेस्टिंग वारंट बेतिया कोर्ट से निकलती है, तो फिर कैदी तो बेतिया कोर्ट की हुई ना, फिर पटना के बेउर जेल क्यों लाया गया? मैं वही कहना चाहती हूँ कि न्यायालय के फैसला आने के बाद ऐसी फिर कौन सी साजिशें चली है कि उनको पटना बेउर जेल शिफ्ट किया गया, और वो भी काफी ज्यादा परेशानी को झेलते हुए उस जेल के अंदर भी उनको रखा गया है। जेल के जेलर जो कह रहा है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन, हमें कोई कागज नहीं मिला कि मनीष कश्यप को बेउर जेल में शिफ्ट किया जाए, हम नहीं रखेंगे। अरे जाहिर सी बात है, ये लोग सिर्फ एक सुरक्षा को लेकर के एक माहौल क्रिएट करना चाह रहा है कि ये जेल बोलेगा हमारे पास कोई कागज नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, बेतिया से उधर से बेतिया जेल से करवा देगा। तो पता चले भाई यहाँ रखने का सुविधा ही नहीं है, उतना सुरक्षा ही नहीं है, चलो उसको तमिलनाडु शिफ्ट करो। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिशें रची जा रही है। लेकिन न्याय के घर में देर आए अंधेर नहीं है, न्याय होगी और न्याय होके रहेगी। जिस तरीके से देश को कल राहत मिली है उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि सिविल कोर्ट का फैसला, न्याय जो करेंगे वो सभी के हित में होगी, जय हिंद होगी। और शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ पे भी कोई मुद्दा पे अब उनका जो है सो नहीं है। बस यही है कि भड़काव वाला वीडियो को लेकर के जो एनएसए लगा हुआ, इसी के लिए लोग मुद्दा बनाए जा रहे हैं और कोई नहीं बात है। लेकिन मेन रीजन ये है कि ये लोग की समझने की बात है कि आखिर देखिए जिसको जितना आप रोकिएगा वो उतना निखरता है। तो मनीष कश्यप को रोकने का काम किया है। मनीष कश्यप क्या बन चुके हैं? अरे वो चिंगारी बन चुके हैं, वो आग बन चुके हैं, वो ज्वाला बन चुके हैं। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, जिन पे इन्होंने कमजोर करने के लिए एक भी चीज को नहीं छोड़ा, हर वो ये लोग अपना प्रयास सफल किया जिससे उनको तोड़ने का काम किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, उतना ही ज्वाला उतना ही आग बन के शेर निकला है और उतना ही तप के निकला है, और भगत सिंह दूसरा भगत सिंह सर मनीष कश्यप बन के निकला है। अब तक आपके भाई जेल से बाहर आने वाले? बहुत जल्द आने वाले हैं, आप इंतजार कीजिए। आप आइएगा, जरूर मिठाई खिलाएगा मेरा भाई जब वापस आएगा। हमारे वीडियो मनीष भैया भी देखते हैं, क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूंगी कि जब आप आओ बाहर तो सबसे पहले इन लोगों से मिलो, क्योंकि ये लोग भी आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के पक्ष में मेहनत कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में मेहनत कर रहे हैं, सभी से सभी लोग लड़ रहे हैं। तो आपका, आप अकेले नहीं, सारे लोगों का प्यार दुआ आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप लोगों की भी साथ की ज़रूरत है। तो बस यही कहूँगी कि आप जल्दी आ जाओ, हम लोगों के लिए जीत यही है।